वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और अच्छे होंगे। और आज मैंने डाला है बहुत सारा ऑयल अपने बालों में, क्योंकि डालना चाहिए। कभी कभी अच्छे नए भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रोज अच्छे दिखे, तो कभी कभी हमें बुरे भी दिखना चाहिए। तो आज है ऑयल बहुत सारा, तो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। और आज मैं अपनी किचन में रेसिपी, अभी डेली ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। क्यों नहीं डाल पा रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी, तो अभी नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैं आपके साथ अपनी किचन में बना रही हूँ मूंग की दाल के चीले, तो बस उसी की रेसिपी अपनी किचन में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं मूंग की दाल के चीले। तो गाइस, इधर मैंने 2 घंटे के लिए जो मूंग की दाल थी छिलके वाली, उसको मैंने पानी में गलाने के लिए रख दिया था और उसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं हम। तो गाइस, इस बाउल में मैंने ये छन्नी को रख दिया था और दाल का पानी पूरा अच्छे से निकाल दिया है मैंने, और पानी नीचे रह गया है और ये दाल ऊपर है। पानी इस तरीके से हमें पूरा बाहर निकाल लेना है। तो हमें इस तरह मिक्सर के जार में डालना है और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। तो आप देखिए, इस तरीके का पेस्ट हमें बना के रेडी करना है। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे अदरक और लहसुन का ले लेंगे और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं धनिया भी डालूंगी। तो ये हम लहसुन अदरक और धनिया का पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ऐसा पेस्ट बनाकर हमें रेडी करना है। तो गाइस, मैं इस स्पून के नाप से ये 3 चम्मच इसमें बेसन को ऐड कर दूंगी। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये जो पेस्ट बनाया था वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था मैंने और इसको अब मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसमें हींग ऐड करूंगी, इसमें थोड़ी लाल मिर्च ऐड करूंगी, मैं हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। तो आपने देखा, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करा है इसमें। तो अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने रख दिया है तवा और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके से हमें पानी डालना है तवे पर। तो मैंने बस इस पे पानी डाला है और अब मैं डालूंगी इस पे ये जो पेस्ट बनाया है मैंने, इसको ऐड कर देंगे। अब इसके चारों तरफ हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे पूरा। इसको इस तरीके से हमें चारों तरफ से निकालना है और आराम से इसको पलटना है। तो आप देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है ये। और इसके चारों तरफ हम फिर से ऑयल डाल देंगे। तो देखिए बहुत अच्छा बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा कुरकुरा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि कुरकुरा खाने में अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही टेस्टी बन, गाइस आज शाम को मैंने अपनी रेसिपी में ये बना चीला बना के तैयार करा है मूंग की दाल का। तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें और उसके बाद कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।